देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज और आपके साथ मैं हूं साक्षी कटियार। और अब रुख करते हैं खबरों की ओर। यूपी में अस्पतालों के हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे। दिनों दिन अस्पतालों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ मथुरा में देखने को मिला, जहाँ घंटों इंतजार के बाद भी मरीजों का इलाज नहीं हो पाता। या फिर यूँ कह सकते हैं कि महिला जिला अस्पताल राम भरोसे चल रहा है, जहाँ डॉक्टर के इंतजार में घंटों बीत जाते हैं लेकिन अस्पताल से डॉक्टर साहब ही गायब मिलते हैं। मथुरा का जिला महिला चिकित्सालय राम भरोसे चल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, यहाँ मरीजों को घंटों बीत जाते हैं डॉक्टर के इंतजार में। मरीजों को कोई भी कितनी भी परेशानी हो लेकिन डॉक्टर टाइम से नहीं पहुँचते। क्या कारण है तो आप हॉस्पिटल आए? दर्द झगड़ा हो गया था, दर्द हो गया था पेट में लड़की के में। हाँ। लड़की को लेके आए, अभी तक डॉक्टर नहीं आई नहीं है यहाँ पे। कितना टाइम हो गया आपको? करीब तीन घंटे हो गए। कितने कितने घंटे हो गए? तीन घंटे। अभी तक यहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं है? नहीं है। आप ये बोलते हैं कि जाम में लगा खड़ी हो, जाम में गाड़ी लग रही है, जाम में अभी तक आई नहीं है। बच्चे की बच्ची हो गई तो मैडम जाम बता दिए, जाम में बसी हुई है। हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या है आपके मरीज की? प्रॉब्लम ये है कि झगड़ा हो गया था, उसके पेट में चोट लगने की वजह से बच्चा हो गया उसके। और यहाँ मरीजों को डॉक्टर का भगवान के पट खुलने जैसा इंतजार करना होता है। क्या यही वादे हैं सरकार के, या डॉक्टर खुले में उड़ा रहे सरकार के आदेशों की धज्जियां? जब मीडिया ने सुबह से शाम को आई डॉक्टर ऋचा शर्मा से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से साफ इनकार कर दिया। वहीं जब मीडिया ने सीएमएस से भी बात करने की कोशिश की तो महोदय ने मीटिंग का हवाला देते हुए फोन ही डिस्कनेक्ट कर दिया। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता खन्ना सैनी की रिपोर्ट। योगी सरकार के सख्त कानून के बाद भी बदमाशों का आतंक थमता नजर नहीं आ रहा। हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर की, जहाँ दिन दहाड़े तीन बदमाशों ने हथियारों के बल पर एक दंपति के साथ मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया। मुजफ्फरनगर के ककरौली थाना क्षेत्र में कल खेड़ी फिरोजाबाद मार्ग पर दिन दहाड़े बाइक सवार तीन बदमाशों ने हथियार के बल पर एक दंपति के साथ मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया। लूट की सूचना पर कई थानों की पुलिस ने बदमाशों को दयापुर के जंगल में घेर लिया। वहीं खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी और आत्मरक्षा में पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई। दोनों तरफ से फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से दो बदमाश रवि और विपिन घायल हो गए। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पकड़े गए घायल बदमाशों का एक साथी किसी तरह पुलिस को चकमा देकर जंगल का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। फरार बदमाश की तलाश ने पुलिस में घंटों तक जंगल में कॉम्बिंग अभियान भी चलाया गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस ने एक संदिग्ध मोटरसाइकिल, दो देशी तमंचे और कारतूस के साथ साथ लूट का माल भी बरामद किया। पुलिस की कार्यप्रणाली से खुश होकर क्षेत्र के लोगों ने मुजफ्फरनगर पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अधिकारियों को कंधे पर उठा लिया। वहीं घटना की जानकारी देते हुए एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि ककरौली थाना क्षेत्र के खेड़ी फिरोजाबाद मार्ग पर बाइक सवार तीन बदमाशों ने एक दंपति के साथ मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसकी जब पुलिस को सूचना मिली तो कई थानों की पुलिस ने बदमाशों को दयापुर के जंगल में घेर लिया, जहां पर दोनों तरफ से गोलियां चली, जिसमें दो बदमाश रवि और विपिन गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इनका एक साथी भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए बदमाशों के पास से दो देशी तमंचे, कारतूस, एक संदिग्ध मोटरसाइकिल और लूट का माल भी बरामद किया गया है। वहीं पकड़े गए बदमाशों से पुलिस पूछताछ कर उनकी कुंडली खंगाल रही है। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता साजन सैनी की रिपोर्ट। सीतापुर में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। मदरसा शिक्षकों और संचालकों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष एजाज अहमद के नेतृत्व में एक विशाल धरना दिया। सीतापुर में मदरसा शिक्षकों एवं संचालकों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष एजाज अहमद के नेतृत्व में एक विशाल धरना दिया, जिसमें एजाज अहमद ने बताया कि पूर्व में मदरसों को लॉक करने के नाम पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सीतापुर द्वारा मदरसा शिक्षकों और मदरसा संचालकों को शोषण का शिकार बनाया गया था, लेकिन उनका डाटा मदरसा पोर्टल पर लॉक नहीं किया गया। शासन ने एक बार फिर दिनांक
1/9/2018 से 9/9/2018 तक मदरसों को पोर्टल पर लॉक करने का समय दिया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बड़ी रिश्वत की मांग की। जिन मदरसों ने असमर्थता जताई उनका डाटा मदरसा पोर्टल पर लॉक करने की बजाय अनलॉक कर दिया गया, जिससे 500 मदरसों और उसके काम करने वाले 1500 आधुनिकीकरण शिक्षकों और उसमें शिक्षारत 25,000 मदरसा छात्रों का भविष्य आधार में लटक गया है। और मदरसा जो मदरसों का जो है पोर्टल वो लॉक किया जाए मदरसों का। अगर मांग नहीं मानी जाती है तो हम यहाँ निश्चितकालीन भूख हड़ताल आमरण अनशन करेंगे और इनके जो उच्च अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी अनिश्चितकालीन आमरण अनशन भूख हड़ताल करेंगे। लाग तो करना ही पड़ेगा, मदरसे हमारे मान्यता प्राप्त है, क्यों नहीं लाग करेंगे, लाग तो करना पड़ेगा। क्या शासन से इसकी शिकायत की आपने? नहीं, अभी तो नहीं किया है, लेकिन अब आने वाले समय में क्योंकि हमने आज धरना शुरू किया है यहाँ सीतापुर में, जिलाधिकारी महोदय को आज हम ज्ञापन देंगे। माननीय जिलाधिकारी महोदय अगर हमारी बात नहीं सुनते तो आगे हम आज जाएंगे। मदरसा शिक्षकों ने मांग की है कि ये भ्रष्ट अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को तत्काल निलंबित कर दिया जाए और मदरसे का डाटा मदरसा पोर्टल पर लॉक कर दिया जाए। इस मौके पर राष्ट्रीय महामंत्री मोहम्मद अहमद, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद आरिफ, मंडल अध्यक्ष मोहम्मद अनस, जिलाध्यक्ष वकील अहमद, आलोक पांडे, अब्दुल शलीक, दानिश अली, डॉक्टर कमरू जजमा, जिला सचिव मोहम्मद सईद, मोहम्मद रफीक, मास्टर वकील मास्टर। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता आशु मलिक की रिपोर्ट। रायबरेली में प्रमुख सचिव ने महाराजगंज तहसील क्षेत्र का दौरा किया, साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। प्रमुख सचिव ने रायबरेली जिले के महाराजगंज तहसील क्षेत्र में दौरा किया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज और कोतवाली के औचक निरीक्षण में पहुंचे प्रमुख सचिव नवनीत सहगल द्वारा सभी अभिलेखों की गहनता से जांच की गई, जिसमें दोनों विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और अफरा तफरी का माहौल हो गया। आपको बता दें कि दोपहर 1:10 पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज का औचक निरीक्षण करने पहुंचे प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने सीएचसी में व्याप्त गंदगी को देखकर अधीक्षक राधाकृष्णन को जमकर फटकार लगाई, तो वहीं सुधारने के निर्देश दिए। दवा स्टॉक रजिस्टर की जांच की गई जिसमें कमी पाई गई, जिस पर भी फटकार लगाई गई। वहीं दवाई स्टाफ रूम में स्टॉक रजिस्टर दवा से मेल न खाने के चलते भी जमकर फटकार लगाई और दवाओं में अनियमितता देख विफर गए। वही प्रसव रजिस्टर को देख जननी सुरक्षा और मातृत्व लाभ योजना के रजिस्टर में कमी पाए जाने पर और समय से लाभार्थियों के खाते में पैसा न पहुंचने पर कड़े लहजे में चेतावनी देते हुए प्रमुख सचिव ने उसे सुधारने को कहा, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। वहीं उसके बाद कोतवाली महाराजगंज का निरीक्षण करने पहुंचे प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने रजिस्टर, FIR रजिस्टर, आवेदक रजिस्टर, अपराध रजिस्टर और IGRS और समाधान दिवस रजिस्टर की भी गहनता से जांच की और समाधान दिवस रजिस्टर में दर्ज मोबाइल नंबर पर फोन करके निस्तारण की बात पूछी, जिस पर निस्तारण गलत पाया गया, उस पर भी कोतवाली प्रभारी को फटकार लगाई गई। वही कोतवाली गेट पर खड़े सलेतु गांव के पीड़ित और पूर्व प्रधान इसरार हुसैन उर्फ कल्लू को बुलाकर पूछा कि क्या काम है, जिस पर इसरार हुसैन ने बताया कि कल कुछ दबंगों द्वारा मेरे भाई को पीटा गया, जिस पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की और मेरे भाई को कल से लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिस पर कड़े अंदाज में प्रमुख सचिव ने गिरफ्तारी के बारे में कोतवाल से पूछा और कहा जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार करें। वहीं 3:15 बजे तहसील पहुंचे प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने रजिस्ट्रार कानून घो दर्शन बाबू से बाढ़ राहत की जानकारी ली, जिस पर बाढ़ राहत का रजिस्टर पर स्वीकृत 3 लोगों में से मात्र 1 लोग का ही बाढ़ राहत का लाभ मिला था, जिस पर प्रमुख सचिव ने RK बाबू दर्शन को कड़ी चेतावनी देते हुए फटकार लगाई और प्रमुख सचिव ने अमल दरामद रजिस्टर को देखा जिसमें खामियां ही खामियां नजर आई। काफी दिनों से अमल दरामद ना होने पर गणेश बाबू को भी कड़ी चेतावनी देते हुए जल्दी अमल दरामद के निर्देश दिए और तहसीलदार को भी इस मामले में चेतावनी दी। तहसीलदार से कहा गया कि 1 हफ्ते से ज्यादा अमल दरामद पेंडिंग नहीं होना चाहिए। वहीं आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र की भी गहनता से जांच की और बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र निर्गत न किए जाने पर लेखपालों को फटकार लगाई गई और कहा
किसानों की समस्याओं को देखकर त्वरित निस्तारण किया जाए और IGRS रजिस्टर में भी पेंडिंग शिकायती पत्र पाए जाने पर नाराजगी प्रकट की। जो कमियां पाई गई हैं इनको निर्देशित किया है, आगे से सही करें और जो कर्मचारी गलती कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सरकार जो है ये व्यवस्था सुधारना चाहती है कि जो आम नागरिकों को सुविधाएं मिल रही हैं वो समय से मिले और गुणवत्ता परख मिले, उसी के लिए हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं अमर सिंह पुत्र राणा थाना बछरावा द्वारा कब्जा हटाने को लेकर किए गए शिकायती पत्र में पड़े दूरभाष नंबर पर प्रमुख सचिव नवनीत सहगल फोन कर निस्तारण की बात जानी तो शिकायतकर्ता ने कहा अभी मामला जस का तस है और दबंग लोग कब्जा किए हुए हैं, जिस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि उप जिलाधिकारी शालिनी प्रभाकर मौके पर जाकर मामले का निस्तारण करें। वहीं कुल 1530 IGRS में 1244 निस्तारित हो गए, बाकी निस्तारण की हकीकत पूछी तो संबंधित कर्मचारी ने कहा 283 निस्तारण बाकी हैं, जल्दी निस्तारण किया जाएगा, एक सप्ताह के अंदर निस्तारण के निर्देश प्रमुख सचिव ने दिए हैं। वहीं उप जिलाधिकारी कार्यालय में बैठकर प्रमुख सचिव ने डायल 100 पुलिस और 108 एम्बुलेंस को फोन करवाकर तहसील परिसर में दुर्घटना और मारपीट की बात कही, जिस पर 8 मिनट के अंदर PRB 3286 सुधाकर सिंह यादव वसंत चंद्र मिश्रा मौके पर पहुंचे और बताया हम दोनों डायल 100 से आए हैं, जिस पर प्रमुख सचिव ने समय से पहुंचने पर दोनों को अच्छे कार्य की बधाई दी। तो वहीं 108 एम्बुलेंस के ना पहुंचने पर नाराजगी जाहिर की और मौके पर मौजूद डिप्टी CMO डॉक्टर चक को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं तहसील दिवस रजिस्टर की गहनता से जांच की और राम लल्लन पुत्र प्रताप जिनका मोबाइल नंबर शिकायती पत्र में पढ़ा था, जिस पर प्रमुख सचिव ने दूरभाष पर शिकायती पत्र के निस्तारण की बात पूछी। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता ज्ञानेंद्र अवस्थी मोनू की रिपोर्ट। सीतापुर में सपा लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष रिजवान अहमद आजकल चर्चा में हैं। उनके नेतृत्व में सपा के साथ लगातार बढ़ती तादाद में जुड़ते युवाओं और हर रोज सपा के बढ़ते जनादेश ने विपक्षी पार्टियों की नींद उड़ा दी। सीतापुर में समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष रिजवान अहमद आजकल चर्चा में बने हुए हैं। उनके नेतृत्व में सपा के साथ लगातार बड़ी तादाद में जुड़ते युवाओं और हर रोज सपा के बढ़ते जनादेश ने विपक्षी पार्टियों की नींद उड़ा दी है। इसीलिए कुछ दिन सीतापुर आए सूबे के CM योगी आदित्यनाथ तय कार्यक्रम के पहले ही सीतापुर पुलिस विपक्षी दलों के इशारे पर रिजवान अहमद को हिरासत में लिया गया था, लेकिन रिजवान अहमद ने हिम्मत नहीं हारी और आज भी वो अखिलेश यादव की सरकार में किए गए कामों के प्रचार प्रसार के अलावा समाजवादी छात्र जागरूकता सप्ताह के तहत समाजवादी पार्टी की नीतियों कार्यक्रमों को जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी जिलाध्यक्ष रिजवान अहमद के नेतृत्व में पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों द्वारा भट्टा मैदान से साइकिल रैली निकाली। ये साइकिल रैली कस्बा रेवसा के बिस्वा महमूदाबाद तंबौर और चहलारी घाट मार्ग से होती हुई फिर से भट्टा मैदान पर खत्म हुई। इस मौके पर मौजूद पार्टी जनों को संबोधित करते हुए रिजवान अहमद ने कहा केंद्र और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते आज समाज का हर वर्ग परेशान है, समाज से भय एवं अराजकता का वातावरण है, अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक पुत्र पवन सिंह ने कहा सरकार की गलत नीतियों के चलते महंगाई बढ़ती जा रही है, महिलाएं व्यापारी एवं आम आदमी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती सपा सरकार में चालू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को बदले की भावना से बंद करके लोगों को नरकीय जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता आशु मलिक की रिपोर्ट। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ।